हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम काफ़ी जब छोटे थे ना तभी से सुनते आ रहे थे, कहावतें। कई बार लोग बातचीत करने में बहुत सारी प्रोवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। हिंदी की प्रोवर्ब्स हमें थोड़ी बहुत आती भी हैं और इंग्लिश में भी कई लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्रोवर्ब हम हिंदी में बोलते हैं क्या उनकी इंग्लिश भी होती है। तो बिल्कुल होती है। जो प्रोवर्ब्स आप दोस्तों हिंदी में बोलते हैं या आपने अपने बड़े लोगों से सुनी होगी या कन्वर्सेशन में आपने सुना होगा, प्रोवर्ब्स हर लैंग्वेज में प्रयोग की जाती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो आज हम इंग्लिश की भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रोवर्ब्स आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको 10 प्रोवर्ब्स लिखी हुई है और उनका हिंदी मीन्स लिखा हुआ है। आज हम समझाएंगे आपको कि इन 10 प्रोवर्ब्स का क्या अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हम यहाँ पर हमने पहले से ही लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहते हैं हम कहावतें। कहावतों का मतलब होता है कि एक ऐसी बात, एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ शब्दों का होता है लेकिन वो बहुत कुछ बता देती है हमें, यानी वो प्रोवर्ब बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं। यानी उनमें ये बोले कि गाजर में सागर भरने वाली यदि कोई बात चीज है तो वो कहावतें ही हैं, क्योंकि थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज हमें वो प्रोवर्ब दे जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर पहली प्रोवर्ब है, वो है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल को हिंदी में कहते हैं अंत भला तो सब भला। कहने का मतलब है यानी कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, उसकी स्टार्टिंग अच्छी हुई, यदि उसका अंत भी अच्छा नहीं हो तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि सारी चीज़ें ठीक हैं वो तभी ठीक होंगी जब उसका जो एंड होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की लेकिन एग्जाम में मार्क्स कम आए तो फिर क्या उसका जो एंड है वो वेल हुआ? नहीं हुआ। मीन्स उसका एंड आपका वेल नहीं हुआ। तो यहां पर भी इस प्रोवर्ब पे कहने का मतलब है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि सारी चीजें तभी वेल होंगी जब उस चीज का जो काम आपने स्टार्ट किया है उसका जो एंड है वो आपका कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सेकेंड प्रोवर्ब है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ए को आप हटाना नहीं है यहां से। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग का मतलब होता है कि कम ज्ञान खतरनाक होता है। हिंदी में बोले नीम हकीम खतरे जान। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान किसी चीज पे हो जाए और वो उसके बारे में उपदेश प्रीचिंग देने लगे तो वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। A little का मीन्स होता है सम, बट नॉट मच, है ना? यानी सम बट नॉट मच। यदि यहां से हम ए को हटा दें फिर लिटिल नॉलेज बोले तो ये प्रोवर्ब नहीं है, लेकिन उसका मीन्स होगा ना के बराबर ज्ञान। अब जिस व्यक्ति को ना के बराबर ज्ञान होगा वो तो बोलेगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा कोई व्यक्ति सीख लेता है तो कई बार वो क्या बताने लगता है कि वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो यहां पर है अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि जैसे बहुत सारे हमारी एरिया में कॉलोनी में आपको क्लिनिक मिल जाएंगे, मोहल्ले में क्लिनिक मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है और आप उनसे अच्छा रिजल्ट की उम्मीद करें, यानी आप अपनी बीमारी ठीक कराने की बात करें, तो वो हो सकता है कि उसका रिएक्शन कुछ उल्टा ही हो जाए। तो कहने का मतलब है अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थर्ड प्रोवर्ब है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच का मतलब है अधजल गजरी छलकत जाए। मीन्स जब भी कोई व्यक्ति, कहने का मतलब है किसी टॉपिक पर किसी चीज पर काफी अच्छा ज्ञान होता है वो अपनी इंटेलिजेंसी किसी को नहीं बताता, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा नॉलेज आ जाए किसी चीज के बारे में तो वो क्या करता है? वो उस चीज को शो करने की कोशिश करता है हर जगह। यानी एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अधजल गगरी छल जाती है। नेक्स्ट है ए ड्राउनिंग मैन कैच अ स्ट्रॉ, यानी कि ए डूबता हुआ व्यक्ति यदि उसे पानी में एक स्ट्रॉ, एक तिनका भी मिल जाए, एक डंडी मिल जाए किसी पेड़ की,
तो उसका सहारा लेकर भी वो बचने का प्रयास करता है। हिंदी में बोले तो डूबते को तिनके का सहारा। आप नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारी, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, सॉरी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कि उतना ही हमें अपने पैर पसारने का प्रयास करना चाहिए जितनी लंबी हमारी सौर है। कहने का मतलब है जितनी हमारी इनकम है हमें उतना ही खर्च करना चाहिए उसी की लिमिट में, उससे ज्यादा नहीं करना है, है ना। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ मीन्स तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी कि एक व्यक्ति को अपने स्टेटस लेवल के अनुसार ही काम करने चाहिए, इनकम है उसी के अकॉर्डिंग काम करें, उससे ज़्यादा वर्क ना करें। मनी स्पेंड कई लोग करते हैं, कई लोग दिखावा करते हैं, बाद में उनके ऊपर बहुत सारा डेप्ट हो जाता है और उससे क्या होता है, बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट होती हैं लाइफ में। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, बेटर टुडे देन टुमारो, मतलब बेटर टुडे, आज कर लो जो करना है वो ज़्यादा सही है बजाय कल के, मीन्स कल करे सो आज कर, और आज करना हो वो अभी कर लो, है ना। तो बेटर टुडे देन टुमारो मीन्स कि जो काम आपने कल के लिए छोड़ा है आपके लिए बेटर होगा कि आज ही आप उसे फिनिश कर लें, और अभी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है 7 नंबर की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एंड 8 नंबर की प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन मीन्स होता है बचाव, क्योर मीन्स होता है इलाज करना, यानी इलाज से बचाव बेहतर है। यानी कि अग्र सोची सदा सुखी, यानी कि यदि आप पहले से ही किसी परेशानी के बारे में सोच लेते हैं कि आगे चल के आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है, तो आपके लिए वो ज़्यादा सही रहेगा बजाय जब आप परेशानी में फंस जाएं तब उसका हल ढूंढें तो। और नेक्स्ट है ए फिगर अमंग साइपर्स, ए फिगर अमंग साइपर्स को हिंदी में कहते हैं अंधों में खाना राजा। और लास्ट प्रोवर्ब है, ग्रेट क्राई लिटिल बूल, ग्रेट क्राई लिटिल बूल मीन्स होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि यदि हम कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं और वो हमारे उस लायक नहीं है जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकलने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्रेट क्राई लिटिल बूल।